कभी मार्केट से अंगूर खरीद के लाते हैं और खट्टा निकल जाता है तो झटपट बना डालिए, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये एक पाव अंगूर है, साथ में एक किलो टमाटर, हाफ चम्मच लिए हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लिए यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी लिए हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर लिए गुड़, जो एक गुड़ लिए हैं एक पाव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिए पानी, ऊपर से डाल दिए ये जाली वाला बर्तन, जो भी आपके पास बर्तन हो जालीदार वो डाल दीजिए। हाफ में डाल दीजिए अंगूर, हाफ में डाल दीजिए टमाटर। टमाटर पकने में 20 मिनट लगता है और अंगूर को पकने में 8 मिनट, तो इसे 8 मिनट बाद निकाल करके अंगूर वहाँ पर आप टमाटर डाल दीजिए, जो भी बाकी टमाटर है वहाँ डाल दीजिए, और इसे कम से कम 20 मिनट आप ढक करके छोड़ दीजिए। अच्छी तरह से टमाटर जो है सो पक जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दीजिएगा, कढ़ाई में 1 लीटर से कम पानी मत डालिएगा, क्योंकि 20 मिनट कम से कम पकाना है, मीडियम फ्लेम पर पकाना है, तो 1 लीटर पानी जरूर डालिएगा कढ़ाई में। तो चलिए, यहाँ टमाटर पक गया है तो इसे ठंडा होने के बाद इसे छिलका जो है सो निकाल देते हैं। तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से छिलका जो है सो आप यहाँ पर छील सकते हैं। तो हम यहाँ पर अंगूर और टमाटर को मिक्स करके चटनी बनाएंगे। आप इस तरह से सिर्फ टमाटर का भी चटनी बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ सारा टमाटर छील लिए हैं, अब इसका अंगूर का जो है सो भी डंटी से निकाल लेते हैं, और बस उसके बाद छोटा छोटा पीस करके टमाटर यहाँ पर काट लेंगे, नहीं तो आप हाथ से भी इसे मसल के डाल सकते हैं। बाकी चटनी बनाने के लिए सारा तैयारी हो चुका है। तो यहाँ पर ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिए 1 चम्मच सरसों का तेल, तेल जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा डाल दें जीरा, मंगरेला और दो लाल मिर्च। इन सबको अच्छी तरह से पकने देंगे, एकदम गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे यहाँ पर, तब डालेंगे टमाटर, इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, तो ये प्रोसेस जरूर। अब इसे पकाना है तो गैस को कर दें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे, अब मीडियम फ्लेम पर करने के बाद इसे पकने दें, क्योंकि टमाटर से जो है सो रस निकलता है, तो इसे पकने में 5 से 7 मिनट जरूर लग जाएगा। उसके बाद डाल दें इसमें जो मसाला लिए थे, हल्दी, लाल मिर्च, कलौंजी, नमक, उसे डाल दें और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लेकिन गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही रखे हुए हैं, तो कुछ देर पकाने के बाद अब इसमें डाल देंगे यहाँ पर गुड़। तो गुड़ को या तो क्रश करके डालें, नहीं तो फिर कद्दूकस कर दें, छोटा छोटा रहेगा तो पकने में इजी रहेगा, जल्दी पक जाएगा इसीलिए। अब इसमें डाल देते हैं अंगूर। तो हम पहले टमाटर डालें, फिर गुड़ डालें, फिर अंगूर डालें, सब कुछ को एक साथ ही डाल दिए हैं, ताकि जो भी पानी छूटे तो एक साथ ही सारा का सारा जो है सो जल भी जाए, कम टाइम लगेगा और गाढ़ा भी एक साथ ही हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अंगूर में भी थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा, तो उसे और भी टेस्टी लगेगा ये चटनी। तो एक साथ डाल करके पकने दें। जब सब कुछ अच्छी तरह से पक गया और गाढ़ा भी हो गया चटनी, तो यहाँ पर हम डाल दिए खजूर। खजूर जो है ऑप्शनल है और इसे पकाने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, सिर्फ हम कलर के चलते यहाँ डाले हैं, इसे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है खजूर में, मेरे घर में था इसलिए यहाँ पर हम डाल दिए। तो फ्रेंड्स, ये चटनी बना के आप लंबे समय के लिए रख भी सकते हैं, बहुत ही आराम से फ्रिज में ये रह जाएगा। अब बस पूरी परौठा बनाइए और इसे सर्व कीजिए, तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा ये चटनी की रेसिपी। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो गया अंगूर और टमाटर की चटनी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ चटनी बनके तो तैयार हो गया, ये खट्टा मीठा टेस्टी, इतना अच्छा टेस्ट है कि क्या बताएं इसका, तो अब इसे बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। हाँ फ्रेंड्स, बनाने के बाद इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि 4 पूरी खाने वाले 5-6 पूरी भी खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।